You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description. Hello everyone. Birla Institute of Technology and Sciences Pilani, which is shortened as BITS Pilani or BITS, is one of the most reputed colleges of our country for engineering and science courses. Ye college 1964 mein established hua tha, which makes us one of the oldest private institutes for engineering. Also, ye government of India se recognized hai. India mein iske 3 campuses hai aur 1 campus Dubai mein bhi present hai aur ye 15 branches mein academic degrees provide karta hai. In fact, BITS के जो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो IITs में भी प्रेजेंट नहीं हैं। ये जो स्पेशल फीचर्स हैं, उनमें से सबसे पहला आता है 6 month internship। तो ये internship तो बाकी IITs और बहुत से कॉलेजेस में होती है, लेकिन BITS में एक पूरा 6 month का सेमेस्टर सिर्फ internship के लिए ही दिया गया है, which ensures कि students को अच्छे से industry exposure मिल जाए। Flexible classes या फिर flexible timetable। BITS में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना शेड्यूल खुद से या फिर अपना वीकली टाइम टेबल खुद से बना सकते हैं। वो चूज कर सकते हैं कि उनको कौन सी क्लास कब पढ़नी है, इनफैक्ट किस प्रोफेसर से वो किस क्लास को लेना चाहते हैं वो भी चूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल कोर्सेस। BITS में आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि आपका जो कोर डिग्री है उसके बाहर जाकर के भी आप कुछ सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। ये फीचर IITs में भी प्रेजेंट है, लेकिन BITS में थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। यूनिक कोर्सेज। BITS में आपको ड्यूअल डिग्री के कोर्सेज भी दिए जाते हैं, विच मींस कि आप कम टाइम में 2 डिग्रीज बैचलर्स एंड मास्टर्स पा सकते हैं। हाउएवर, ओइंग टू द फैक्ट कि एक प्राइवेट कॉलेजेस है, यहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट स्टिल क्योंकि ये एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, हर साल अराउंड 3 लाख स्टूडेंट्स BITSAT या फिर BITS एडमिशन टेस्ट के लिए बैठते हैं। ये टेस्ट होता है BITS में फर्स्ट ईयर में एडमिशन पाने के लिए और BTech या फिर इंटीग्रेटेड कोर्सेज। हमारी इस वीडियो में हम लोग करेंगे एवरीथिंग अबाउट दिस टेस्ट, ताकि आप लोग इस टेस्ट में अच्छे से बैठ पाएं और अगर इसको क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकें। When to apply? BITSAT एग्जाम के लिए जो फॉर्म्स होते हैं वो हर साल दिसंबर में निकलते हैं और फाइनल एग्जाम मई में कंडक्ट किया जाता है। तो अगर तो आप लोग भी BITS में पढ़ना चाहते हैं तो दिसंबर से ही उनकी साइट विजिट करना देख लीजिए, ताकि फॉर्म्स निकलते ही आप लोग उनको फिल कर सके। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म्स ही फिल हो सकते हैं। Who all are eligible for admission? कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना 10+2 फॉर्म ऑफ एजुकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या फिर स्टेट बोर्ड से कंप्लीट किया है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एज सब्जेक्ट्स एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, उनको BITS में एडमिशन मिल सकता है। प्लीज नोट कि अगर तो आप 12th में पढ़ रहे हैं और 2019 में आपका रिजल्ट आएगा तो आप 2019 में BITSAT दे सकते हैं। आपका बोर्ड्स का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एडमिशन के टाइम पे आपका मार्क्स पूछे जाएंगे। ऑल्सो जिन स्टूडेंट्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में एग्रीगेट 75% है और उनके इंडिविजुअली इन सभी सब्जेक्ट में एटलीस्ट 60% मार्क्स है, सिर्फ उनको ही एडमिशन दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया के सभी स्टेट या फिर सेंट्रल बोर्ड के जो टॉपर्स हैं, मतलब फर्स्ट रैंकर्स हैं, उनको डायरेक्टली BITS में एडमिशन मिल जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर BITSAT स्कोर। व्हाट इज द टेस्ट फॉर्मेट? प्लीज नोट कि BITSAT का जो एग्जाम है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कैंडिडेट को एक कंप्यूटर के सामने बैठना होता है, क्वेश्चंस आते हैं डेस्कटॉप पे और उनको आंसर करना होता है थ्रू द यूज ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। कोई भी पेन एंड पेपर मोड इस एग्जाम के लिए नहीं होता है। BITSAT के एग्जाम में 4 मेन पार्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग एंड एट द एंड मैथमेटिक्स। हर एक क्वेश्चन MCQ टाइप का होता है, मतलब उनके 4 ऑप्शन होते हैं जिनमें से सिर्फ एक करेक्ट होता है और हर एक सही आंसर के लिए आप लोगों को +3 मार्क्स मिलते हैं और किसी भी गलत आंसर के लिए -1 मार्क हो जाता है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। BITSAT का एग्जाम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट किया जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन जो दिखाई जाएंगी वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने वाली है। अगर तो आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए ना ही आपके कोई मार्क्स कटेंगे, ना ही आपको कोई मार्क्स दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इस टेस्ट में एक और फीचर होता है जो बाकी किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं दिया जाता है, वो ये कि अगर तो लेट्स से आपने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर मतलब 150 क्वेश्चंस स्टिपुलेटेड टाइम जो कि 3 घंटे हैं उसमें फिनिश कर लिए विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन, तो आप लोगों को 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे टू अटेम्प्ट, अगर तो आपका टाइम बचा है एग्जाम में। नाउ प्लीज नोट कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से ही पूछे जाएंगे। ऑल्सो जो पेपर है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है दैट अ गुड स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर 150 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हाईली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा मार्क कर सके, लेकिन आप इनको भी अटेम्प्ट करने की जल्दबाजी में अपना एक्चुअल पेपर गलत मत कर दीजिए, क्योंकि एक बार आप लोगों ने इन 12 क्वेश्चंस पर पहुंच गए हैं तो आपको वापस अपने 150 क्वेश्चंस पे नहीं जाने दिया जाएगा, तो अगर तो उनमें आपको आंसर चेंज करना चाहते हैं आप नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो इन 12 क्वेश्चंस में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम? बिटसैट का जो पेपर है वो आपकी 11th और 12th की NCERT बुक्स पर बेस्ड होता है, तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की 11th और 12th की NCERT जरूर देख लें टू सी द सिलेबस। इंग्लिश में आप लोगों की एकदम बेसिक इंग्लिश एंड ग्रामर की टेस्ट की जाएगी, जैसे वर्ब्स, टेंसेस, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सेट्रा। When is the result announced and how is the merit list prepared? जैसे ही आप लोग का BITSAT का एग्जाम खत्म हो जाएगा आपको आप ही की कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका स्कोर दिखाया जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट किया। दिस मीन्स कि बच्चे अपना पेपर खत्म करते ही अपना स्कोर जान सकते हैं। अगर तो आप चाहें तो 1-2 दिन के बाद भी BITSAT की वेबसाइट पे जाकर के अपना स्कोर देख सकते हैं और उनको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। इसी BITSAT स्कोर के बेसिस पे बच्चों की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। हाउ इज BITSAT डिफरेंट फ्रॉम JEE, मेंस और एडवांस्ड? सबसे पहले आता है टाइम पर क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि BITSAT और JEE मेंस में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और वो उनका टाइप भी अलग होता है, तो इसीलिए आपको उनको किस टाइम में अटेम्प्ट करना है वो भी डिफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल BITSAT में आप लोगों को इंग्लिश पूछा जाता है एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो अगर तो आप में से कुछ बच्चे उसमें अच्छे हैं देन वी वुड सजेस्ट कि आप इन सेक्शन में कम टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। द सब्जेक्ट्स आस्क्ड। JEE में जैसे कि आप लोगों को पता होगा सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ही पूछा जाता है, लेकिन BITSAT में आपसे इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा जाता है, तो अगर तो आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इन सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जरूर दीजिए। डिफिकल्टी लेवल। JEE में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और उसमें एक्सपेक्टेड यही होता है कि बच्चे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करें, लेकिन BITSAT में क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक अच्छा बच्चा सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। एग्जाम लैंग्वेज। आपको BITSAT में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर दिया जाता है, बट JEE में आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन होता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि JEE का रिजल्ट बहुत बाद में आता है, लेकिन BITSAT में आप लोगों को आपका एग्जाम खत्म होते ही आपका स्कोर पता चल जाता है, तो इस स्कोर से आप लोग प्रीवियस ईयर्स का कुछ डेटा एनालाइज करके ये भी पता लगा सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल रहा है या फिर नहीं। अगर मिल रहा है तो आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है BITS की, तो आप ये भी पहले से ही सोच के रख सकते हैं कि आपको किस ब्रांच में कौन से वाले इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ऑप्ट करना है। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से आप लोगों के जो BITSAT के प्रिपरेशन है वो JEE से थोड़ी सी अलग हो सकती है, तो इसीलिए आप लोग जरूर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए जो सिर्फ BITSAT के ही है। इसके लिए अगर तो आपको प्रीवियस ईयर BITSAT मिल सकते हैं तो सही, नहीं तो उसके लिए जो अलग से सैंपल पेपर्स आते हैं उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ऑल्सो यहाँ पर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी आपको पढ़नी होगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये तो इजीली हो ही जाएगा तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट अगर तो आप प्रीवियस ईयर के BITSAT में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में भी वो प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि यूजुअली इन टाइप के क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड होते हैं, मतलब कि सेम ही चीज पर घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप पहले से ही देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्टली आगे भी उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्ट्रेटजाइज योर पेपर। तो JEE से भी डिफरेंट होता है BITSAT में इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोगों को अपना पेपर पहले से ही स्ट्रेटजाइज करना होगा। JEE देने के लिए भी आप लोग सोचते होंगे कि मैं सबसे पहले ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स व्हाटएवर,
फिर ये बेस्ड ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। आप लोगों को बिटसैट में भी यही करना होगा। बहुत से बच्चों का हो सकता है कि इंग्लिश और एलआर स्ट्रॉन्ग हो तो वो पहले अटेम्प्ट करना चाहे। बहुत से बच्चे सोच सकते हैं कि उसमें कम टाइम लगता है तो वो एंड में अटेम्प्ट कर लेंगे, तो पहले से ही ये सब सोच लीजिए। प्रैक्टिस सम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये तो जे के लिए भी व्यूअर सजेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम्स आगे जाकर के कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं, तो इसीलिए अब आपको पेन एंड पेपर मोड छोड़ के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए आप लोग अभी से ही एक कंप्यूटर पे टेस्ट देने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इफ यू आर एन इंजीनियरिंग एंथुसियास्ट और आप बिट्स या फिर कोई सिमिलर अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, देन वी हैव अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कंटेंट नीड्स। हमने हमारे ऐप पे अपनी डिटेल्ड वीडियोस डाल दी हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। आप इन वीडियोस को देख करके अपने प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग हर वीक न्यू वीडियोस भी रिलीज करते हैं ऑन हाउ यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जाम। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JEE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us.